डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी से हमें एक सीख मिलती है और वो है ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत बड़े स्कॉलर थे लेकिन उनके पास पैसे कम थे, तो उनका ये इंटेलिजेंस ही देख के उन्हें पीएचडी करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें न्योता दिया था, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए उनको पैसे नहीं थे। तो हमारे देश के कुछ लोगों ने उन्हें वो पैसे दिए, अंबेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जो पीएचडी करने के लिए आम लोगों को 5 से 8 साल लगते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिन के 21-21 घंटे पढ़ाई करके और खाना खाने के लिए भी टाइम न वेस्ट करते हुए, खाना खाते खाते पढ़ाई करते करते 21 घंटे पढ़ाई करके 3 साल से कम कालावधि में उन्होंने पीएचडी का प्रबंध वहाँ पे प्रस्तुत किया और उन्हें डॉक्टरेट डिग्री मिली। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि भले ही आपको कोई मदद कर रहा है लेकिन उसका आपको गलत फ़ायदा नहीं हो लेना चाहिए। और तो और, आपके पास जो भी चीज़ है, आपके पास आपकी लगन है, आपकी मेहनत है, आपका वक्त है, आपका दिमाग है, उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से आप कम समय में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के हर रोज़ सुबह ऐसे वीडियो लेके आपसे जुड़ते रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।